नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माधिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज पार्ट थर्ड देखेंगे। दोस्तों, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड एवं इम्पोर्टेंट लेकर आया हूं। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एम योगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एम योगा ऐप को लॉन्च किया है। अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता। तो इसका राइट आंसर राफेल नडाल हो जाएगा। अगला सवाल है, वर्तमान में सहकारिता मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमित शाह। वर्तमान में सहकारिता मंत्री अमित शाह है। अगला सवाल है, वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रमेश पवार। वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रमेश पवार है। अगला सवाल है, चर्चित पुस्तक बिलीव किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुरेश रैना। चर्चित पुस्तक बिलीव सुरेश रैना द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल है, किस राज्य के सरकार ने राज्य के लोगों को मुफ्त पानी देने की घोषणा की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोवा। गोवा के सरकार ने राज्य के लोगों को मुफ्त पानी देने की घोषणा की। अगला सवाल है, नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में पहली बार किसने राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमित शाह। अमित शाह ने दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में पहली बार राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। अगला सवाल है, हाल ही में क्वाइन DCX का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को क्वाइन DCX का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत का पहला ग्रैंड ATM किस शहर में खुला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुरुग्राम। दोस्तों, गुरुग्राम जो हरियाणा राज्य में पड़ता है, तो इसका याद रखना है कि भारत का पहला ग्रैंड ATM गुरुग्राम शहर में खुला है। अगला सवाल है, द कश्मीर फाइल्स फिल्म के निर्देशक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विवेक अग्निहोत्री। द कश्मीर फाइल्स फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री है। अगला सवाल है, भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गीता मित्तल। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की नई अध्यक्ष गीता मित्तल को बनाई गई है। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे द्वारा देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। भारतीय रेलवे द्वारा देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी नई दिल्ली में स्थापित की जाएगी। अगला सवाल है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुष्पा द राइज। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड पुष्पा द राइज को दिया गया है। अगला सवाल है, इतिहास में पहली बार देश से बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, UAE। देश से बाहर UAE में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी। अगला सवाल है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के फिर से MD और CEO कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राकेश शर्मा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के फिर से MD और CEO राकेश शर्मा बने हैं। अगला सवाल है, यूक्रेन में फंसे भारतीयों की घर वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा कौन ऑपरेशन शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की घर वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा की शुरू किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड किसने जीता? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुष्मिता सेन। हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड सुष्मिता सेन ने जीता। अगला सवाल है, 21 जनवरी 2022 को दिल्ली के इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को कहाँ विस्थापित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। 21 जनवरी 2022 को दिल्ली के इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को
राष्ट्रीय युद्ध स्मारक स्थापित किया गया। अगला सवाल है, हाल ही में किसने सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पीवी सिंधु। हाल ही में पीवी सिंधु ने सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता। अगला सवाल है, वर्ष 2022 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 128। वर्ष 2022 में 128 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने किसे इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर एस सोमनाथ। केंद्र सरकार ने डॉक्टर एस सोमनाथ को इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के किस टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। हाल ही में भारत के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार दिया गया है। अगला सवाल है, IPL 2022 में वीवो की जगह नई प्रायोजक कंपनी कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टाटा समूह। IPL 2022 में वीवो की जगह नई प्रायोजक कंपनी टाटा समूह बनी है। अगला सवाल है, इंडोनेशिया की नई राजधानी के रूप में किसे बनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नुसंतारा। इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा को बनाया गया है। अगला सवाल है, जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में नए टेस्ट सीरीज के साथ फिर मिलेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। जय हिंद, जय भारत।